कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर के निर्वाचन क्षेत्र में बड़े बड़े अफसरों की मदद से हुआ आटा घोटाला सरकार की नाकामी का उदाहरण बना हुआ है। भाजपा सरकार में अफसरों ने गरीबों के आटे को भी नहीं छोड़ा, गरीबों का आटा भी अफसर स्वयं डकार गए। इस मौके पर उन्होंने समाचार एक्सप्रेस से बात करते हुए डॉक्टर राजीव गुप्ता हत्याकांड की सीबीआई से जांच करने की मांग की और कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के हर नाकामियों को उजागर करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। देखिए सरदार त्रिलोचन सिंह से रूबरू। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह और करनाल में जो आटा घोटाला चल रहा है उस पर सर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए कुछ दिन पहले मैंने होटल अरोमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि करनाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है। उसके दो दिन के बाद ही डॉक्टर राजीव गुप्ता का हत्या हुई, सारा शहर सन रह गया और अब जो घोटाला हुआ है आटा घोटाला, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हमें अफसोस है कि करनाल के अंदर जहाँ सीएम सिटी हो, सीएम का गृह क्षेत्र हो और हमारे जो कंबोज साहब जो मंत्री हैं जिनके अंदर ये महकमा आता है, दोनों करनाल से रिलेटेड हो और इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसकी जाँच होनी चाहिए। गरीबों के नाम पर हुआ है, गरीबों के लिए ये सरकार आटा मुहैया करती थी, जो आटा गरीबों तक तो नहीं पहुंच पाया लेकिन अमीरों की तिजोरियों में बंद हो गया। इसमें बहुत बड़ी जो एक तरफा कार्रवाई है वो अफसरों की है, जितने भी इस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं सारों ने मिलकर एक साजिश के तहत इतना बड़ा घोटाला किया। और जो 6 डिपो हैं, 6 में से 5 जो डिपो वाले हैं वो बीजेपी के हैं, कोई तो पदाधिकारी है और कोई बीजेपी का बस्ता संभालता है। इसलिए ये संदेह बहुत ज़्यादा मर जाता है कि इसके पीछे सरकार की आशीर्वाद है, सरकार का हाथ है। मैं और कांग्रेस पार्टी हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इसके लीपा पोती ना की जाए, इसको दबाने की कोशिश ना की जाए, इसकी तह तक जाया जाए और हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। क्योंकि ये घोटाला जो है ये गरीबों की आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के लिए बजट में बहुत कुछ लेके आए हैं, दूसरी तरफ गरीबों के मुंह से ही इन्होंने नवाला छीन लिया है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी गंभीर है। करनाल के लोग मांग करते हैं जो डॉक्टर जीव गुप्ता की हत्या हुई है उसकी सीबीआई इंक्वायरी कर दी जाए, क्योंकि जो पुलिस ने थ्योरी बताई है लोगों के गले से नहीं उतर रही। ये दोनों आटा घोटाला और डॉक्टर जीव गुप्ता का, ये दो मुद्दे ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने करनाल को झंझोड़ के रख दिया है। वैसे तो पिछले 2 महीने से 200 कत्ल करनाल में हुए, चैन स्नेचिंग, चोरी, डाका, रेप, बड़ा कुछ हुआ है। लेकिन तो ये सब, तो सर आप इन सब के लिए किसको जिम्मेवार ठहराना चाहेंगे? देखिए मैं इसके लिए मौजूदा सरकार और सीएम सिटी में, क्योंकि एमएलए हैं हमारे, सीएम साहब को जुम्मा ठहराता हूँ, वहाँ भ्रष्ट अफसरों को जुम्मा ठहराता हूँ। तो सर राजीव जो हत्याकांड हुआ तो उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो हत्याकांड हुआ है ये पूरी तरह नाकाम है सरकार, और उसकी नाकामी की वजह से पिछले 2 महीने से इतने ज़्यादा कत्ल बढ़ गए थे कि जिसके लिए ये संदेह था कुछ ना कुछ बड़ा कांड होगा। डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे बीच में नहीं रहे, इसके पीछे जो पुलिस थ्योरी बता रही है वो लोगों के गले से नहीं उतर रही। मेरी कम से कम शहर के 100 जो बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई है, किसी के गले ये बात नहीं उतर रही कि ये कत्ल जो पुलिस थ्योरी बता रही है ठीक है। इसलिए हम सीबीआई की मांग करते हैं और जो आटा घोटाला हुआ है इसके लिए किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इंक्वायरी कराई जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो, वरना हम सब साथी सड़कों पर उतरेंगे और डीएफसी के कार्यालय में हम ताला लगाएंगे। ये जल्द ये घोषणा करने वाले हैं। अभी हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह। इन्होंने बताया कि करनाल में जो घोटाले चल रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं और हत्याकांड हो रहे हैं, सरकार उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और अगर इसी तरह यह चलता रहा तो कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर कर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं निशा मंडान, समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ करनाल।